हेलो दोस्तों, मैं हूँ एनआईए बीएमएस का स्टूडेंट और माय यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एआईपीपीटी काउंसलिंग 2020 के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोगों में से बहुत सारे जो हैं वो रजिस्ट्रेशन भी कर लिया होगा। और आप सबको बताएं कि इस साल जो है रजिस्ट्रेशन के जो रूल्स हैं वो काफ़ी चेंज हैं पिछली बार से, क्योंकि इस बार जो है वो 3 स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ओके दोस्तों, तो उसी बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और जो चालान है उसको आपको कहाँ पर जमा करना है, वो कैसे जमा करना है, इस बारे में हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखिए। ओके दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए वीडियो के एंड तक बने रहे। तो इस साल जो VCA काउंसलिंग 2020 से है उसके जो काउंसलिंग के रूल्स हैं वो काफ़ी सारे चेंज है पिछले साल से। इस बार जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा और उसको कैसे कंप्लीट करना है इस बारे में इस वीडियो में हम सीखेंगे। ओके दोस्तों, तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको पता नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो आप जो है मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपने थोड़ी सी भी जल्दबाजी की और कुछ भी मिस्टेक हुआ तो आपका जो काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो और आपका जो है 1 ईयर बर्बाद हो सकता है। ओके दोस्तों, इसलिए बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है, केयरफुली जो है आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ से सर सबसे पहले जो स्टेप है वो चालान जनरेट, तो यहाँ पर आपको चालान जो है वो जनरेट करना है। उसके बाद दूसरी स्टेप जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है चालान बैंक में जमा करने के बाद, और उसके बाद में यहाँ से आपको लॉगिन करके अपनी जो चॉइस है उसको फिल करना है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर चालान को जनरेट करना है। यहाँ पर अपने नीट रोल नंबर, नीट रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नंबर, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सिक्योरिटी पिन फिल करके इसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस जैसे इसको प्रोसेस करोगे तो आपके सामने जो है चालान यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखते हैं कि कैसा चालान जो आपके सामने जनरेट हो जाएगा और उसको कहाँ पे जाके आपको जमा करना है। तो जैसे आपके सामने ऐसा चालान जो है वो जनरेट हो जाएगा। ओके दोस्तों, और इस चालान को आप बैंक ऑफ बड़ौदा की कोई सी भी ब्रांच में जाके जमा कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जो भी आपके पास कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है वहाँ जाके इस चालान को जमा करना है। और जैसे ये चालान जमा हो जाएगा तो उसके बाद में आपको जो है वो सेकेंड स्टेप जो है वो कंप्लीट करनी है। ओके दोस्तों, तो देखते हैं वो स्टेप आपको कैसे कंप्लीट करनी है। यहाँ पर चालान में सब कुछ दे रखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच नेम दे रखा है, IFC कोड भी यहाँ पर दे रखा है। ओके दोस्तों, तो सब कुछ जो डिटेल है चालान में आपको मिल जाएगी और बैंक ऑफ बड़ौदा की कोई सी ब्रांच में जाके इसको जमा कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब देखते हैं कि सेकेंड स्टेप आपको कैसे कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको जो न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। ओके दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपकी जो पर्सनल डिटेल है जैसे कि नीट रोल नंबर, नीट रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम और मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और आपके जो 12th के जो मार्क्स हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, वो यहाँ पर आपको फिल करने हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद में आपके यहाँ पर सिक्योरिटी पिन फिल करके इसको सबमिट कर देना है। जैसे इसको सबमिट करोगे तो आपके पास जो सेकेंड स्टेप है वो कम्प्लीट हो जाएगी। उसके बाद में थर्ड स्टेप आएगी, थर्ड स्टेप को आपको कैसे कम्प्लीट करना है वो भी हम देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपको जो है यहाँ से स्टेप 3 कंप्लीट करनी है। ओके दोस्तों, तो जैसे ही ये कैंडिडेट लॉगिन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से नीट रोल नंबर और पासवर्ड जो है वो आपको फिल करना है। ओके दोस्तों, फिल करने के बाद इससे यहाँ से लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके वहाँ पर चॉइस फिल का ऑप्शन आएगा जहाँ से आपको चॉइस फिल करनी है। ओके दोस्तों, और जो चॉइस फिल है वो बहुत ही केयरफुली करनी है क्योंकि उसी के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि चॉइस फिल अच्छे से नहीं करते हैं तो ज़्यादा मार्क्स होने पर भी जो कॉलेज है वो अलॉट नहीं होती है। ओके दोस्तों, तो जो चॉइस फिल है वो आपको बहुत ही केयरफुली करनी है। और यदि इससे चॉइस फिल्स को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, और कॉलेज वाइज जो लिस्ट है वो हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। तो यदि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओके दोस्तों,
तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिल जो है वो अच्छे से केयरफुली करनी है। कोई भी जल्दबाजी ना करे। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपकी पूरी पूरी सहायता की जाएगी। ओके दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और यदि दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो और मेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें इन बेल आइकन को प्रेस करें। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।